गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, सिक्स चैप्टर में आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे और ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपको बुक में ही ट्रू फॉल्स फिलअप करने हैं, कॉपी में राइट नहीं करने, ठीक है। पहला है कटिंग एलो ऑफ वुड इन टू पीसेज इज केमिकल चेंज। आपको चेंजेस के बारे में कल बताया था कि केमिकल चेंज वो होते हैं जिस ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बने और वह नया पदार्थ वापिस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे कल बताया था आपको कि दूध से दही बन जाता है बट वापिस दही से दूध नहीं बनता, तो वो केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो और बना हुआ पदार्थ अपने वापस मूल अवस्था में आ जाए। जैसे कि पानी जो होता है उसको फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ बन जाता है और वो उसको बाहर निकाल के रख देंगे तो वो वापस पानी में बदल जाता है, ठीक है। तो लकड़ी के छोटे लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा है और उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो भी वो क्या रहेगी, लकड़ी ही रहेगी, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैनर, मैनर मीन्स खाद, फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, यानी पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं तो गल सड़ करके वो खाद बनाती हैं और उस खाद से वापस पत्तियां नहीं बनती, जबकि ये कह रहा है कि ये फिजिकल चेंज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, यानी लोहे के पाइप जो होते हैं उनके ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा देंगे तो वो जल्दी से जंग नहीं पकड़ेंगे, तो ये बात क्या है, सही है, ठीक है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, रस्ट होता है बेटा जंग, यानी जो लोहा और जंग होता है वो एक ही पदार्थ है, नहीं ये अलग अलग पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम्स, कंडेंसेशन मीन्स संघनन, ठीक है, और स्टीम मीन्स भाप, यानी कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। देखना बेटा यहाँ पे नोट है, तो ये कह रहा है कि भाप का कंडेंसेशन जो है यानी भाप को कंडेंस करेंगे, संघनित करेंगे तो वो वापस पानी की बूंद बना लेगी और वो एक केमिकल चेंज नहीं है बेटा ये केमिकल चेंज, क्योंकि स्टीम को कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा, ये जल बना लेगा और जल को फिर से गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, फिर से भाप बन जाएगी, तो ये क्या हो गया, ट्रू। आज आप यही करोगे और फिफ्थ जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट दो क्वेश्चन लर्न करोगे। थैंक यू।